जो एनआरसी के खिलाफ और सीए के खिलाफ जो मीर आलम ईदगाह से शास्त्री पुस्तकपुरम तक जो रैली निकाली गई है, महज हैदराबाद से ये एक बहुत बड़ा मैसेज है मोदी सरकार को कि जहां पर ये जो काला कानून है इसके खिलाफ पुरजोर मजम्मत कर रही है आज सारा हिंदुस्तान। लिहाजा यहां की जो रैली है ये एक मैसेज देना चाहती है कि वो बिल को वापस लिया जाए और रद्द किया जाए, क्योंकि इस बिल के ज़रिए हिंदुस्तान के संविधान पर ख़तरा है। और हम ये समझते हैं कि जहाँ पर मुसलमानों के लिए निकाला गया है, बल्कि ये बात बहुत गलत है, क्योंकि हमने ये देखा कि आसाम में जो एनआरसी करवाई गई है उसमें टोटल 19 लाख लोग बाहर आए जहां पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जहां पर मोदी सरकार ये समझ रही थी कि वहां पर ज़्यादातर मुस्लिम लोग होंगे, इसलिए मुसलमानों पे हमला करने के लिए ये ज़रूर ला गया था। लेकिन नतीजे देखने के बाद ये मालूम हुआ है कि 15 लाख जो शरणार्थियाँ थे वो हिंदू लोग हैं, और जहाँ पर 19 लाख में से 4.5 लोग यानी कि सिर्फ मुसलमान हैं, तो वहाँ पर डिटेंशन सेंटर्स में ऐसे हालात बनाकर रखा जा रहा है। तो यही ऐसे जेल के जो हालात बनाए रहे जगह जगह हिंदुस्तान में जो डिटेंशन सेंटर्स की बात उभर के आ रही है, तो उसकी मुखालिफत करने के लिए यह रैली निकाली गई है। और इस रैली के जरिए हम ये मैसेज दूसरा ये पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ पर संविधान की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, जहाँ पर आज़ादी से पहले लोग हिंदुस्तानी थे और आज़ादी की जंग लड़ने के बाद भी आज लोग हिंदुस्तानी हैं, ये इस तरीके का जुल्म है, बर्बरता है, जहाँ पर आज देश भर में ये बात सबको आम हो चुकी है, इसके लिए पुरजोर मजम्मत करते हुए इस रैली को हम अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद। मैं रख लूँ।